सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। गाइस तही दिल से, तो देख सकते हैं ये चिप्याना रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है। गाइस देख सकते हैं आप लोग, तस्वीर है और ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी कि ABS के पीछे वाला। गाइस तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो आपको बता दूं गाइस, क्या 115 मीटर लंबा ये ब्रिज बनाया जा रहा है और ये चार लाइन इसकी बाकी बची हैं। तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। देखो दोस्तों, इस तरीके से ये खिसकाया जाएगा। देखो ये लगे हुए हैं इस ब्रिज में, ये देखो इस तरीके से ये खिसकाए जाएंगे। ये देखो कितने सारे वोल्टी वोल्ट लगे पड़े इसके अंदर। ये देखो कितने वोल्ट, ये टूट गया। देखो देखो इस तरीके से ये बना रहे हैं पट्टी, इस तरीके से ये खिसकाया जाना है, ये खिसकाया जाएगा इस तरीके से गाइस। ये देखो, और ये लॉन्चर भी लगाया जा रहा है, देख सकते हैं तस्वीरें। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है ये ब्रिज। ये देखो, ये देखो इस तरीके से गाइस, मैं आप सभी को बता दूं तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज बन चुका है बिल्कुल स्टील के, ये स्टील की मदद से ये बनाया गया और बहुत भारी है। और आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा था, ये 115 मीटर लंबा है ये। और आपको बता दूं कि देखिए, ये लोहे के ये जो लगाए जा रहे हैं गाटर, इन पे ये खिसकाया जाएगा, फिर ये इस पिलर पर रखा जाएगा, फिर इस पर काम वर्क होगा, इस पर ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा, इसको कंक्रीट की मदद से ये भरा जाएगा। भरने के बाद में फिर गाइस, ये जो लोहे के आप देख रहे हैं इनको हटा दिया जाएगा, जो येल्लो येल्लो चमक रहे हैं। और आपको बता दूं, ये एक लॉन्चर था गाइस, और लॉन्चर को इन एफको कंपनी वालों ने उतार के और फिर इसको काटा पीटी करके फिर इसको ये जोड़ा जा रहा है, ताकि इस ब्रिज को ये खिसका सकें गाइस। और आपको बता दूँ कि जो ये लॉन्चर की तरह ही है ये गाइस, एक तरीके से माना जाए तो बिल्कुल, देखिए ये लॉन्चर ही है। और आपको बता दूं कि यहाँ से वहाँ तक इनके बीच में कोई पिलर नहीं है, तो इस वजह से इन्होंने ये लोहे के पिलर ये खड़े किए हैं, ताकि इस पर ये मतलब कि ये लॉन्चर खड़ा कर सकें। और लॉन्चर खड़ा करने के बाद में फिर इसको सही से करने के बाद फिर इस पर खिसका सकें। तो देखिए ये लगाए जाने हैं इसी पर, बीच में ये लगाए जाने क्रेन मशीन के द्वारा गाइस। और आपको बता दूं, जो प्रोसेसिंग है अभी, आपको बता दूं इसमें जो टाइम लगेगा गाइस, करीब करीब इसमें अक्टूबर तक ये ब्रिज बन के कम्प्लीट हो पाएगा, फिर इस पर वाहन चल पाएंगे, क्योंकि ये चार लेनें अभी बाकी बची हुई हैं और ये चार लेनें को काम बचा हुआ। और देखिए ये ट्रेन निकलती हुई जा रही है, इंडियन रेलवे निकलती हुई जा रही है, और ये जा रही है दादरी और आपका ये क्या नाम है अलीगढ़ की साइड में होते हुए, और ये आ रही है दिल्ली की साइड से गए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके के ये ढांचा बना हुआ है, और देखिए ये इसकी मोटाई कितनी मोटा और कितना बड़ा है ये, क्योंकि इसमें मेरे जैसे दो लोग बन जाएंगे अगर खड़े किए जाएं, तो इतनी लंबाई है इसकी। और आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर जहाँ पर वो ब्रिज रखा हुआ है, वहाँ से लेके और लास्ट तक, भाई साहब इसके अंदर कोई पिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो की लाइन क्या नाम है रेलवे की लाइन आ रही है बीच में, तो इन्हें इस वजह से ये पिलर नहीं बना पाए, तो इस वजह से ये स्टील की मदद से ये ब्रिज बनाया गया है गाइस। और जल्दी ही ये बन के तैयार हो जाएगा, और मेरा ये ऐसा मानना है, क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम का जो स्लो डाउन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, घंटों यहाँ पर फंसना पड़ता है गाइस, तो इस वजह से ये जल्दी, मैं तो चाहता हूँ जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाए और आप लोगों के लिए सुविधा हो जाए। तो अभी जो डासने में इसका जो टोल प्लाजा बनाया गया वो अभी इसी वजह से फ्री किया हुआ है, और जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो उस पर वहाँ पर टोल लगना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, क्योंकि मेरठ का तो अब चालू हो गया है। देख सकते हैं मेट्रो, ये रेल जा रही है दोनों साइड से, एक आ रही है दूसरी जा रही है मालगाड़ी गाइस। और आप लोग खुद ही देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ का नज़ारा जो कितना सुंदर है,
देखिए, और मैं ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ गाइस। और आप लोगों को ये चैनल ये ब्लॉग अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में पर डे लाता रहता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं वहाँ से और यहाँ तक की लंबाई, और देखिए ये पटरियाँ बिछी हुई हैं, तो इस वजह से इसमें पिलर बनाना नामुमकिन था, तो इस वजह से ये स्टील की मदद से ये ब्रिज बनाया गया है। और देखिए दो पोर्शन इसके यहाँ रखे जाएंगे और दो उधर रखे जाएंगे, तो उसके बीच में उसकी साइडों से फिर ये लगाया जा रहा है। देख सकते हैं ये इस पर ब्लैक टॉप का काम किया जाना है, इसके ब्रिज के ऊपर भी ब्लैक टॉप का काम होगा, और इन पे भी अभी कंक्रीट की मदद से ये भरे जाएंगे। तो देख सकते हैं ये पिलर खड़े कर दिए गए हैं लोहे के येलो येलो से, इनके ऊपर ये खिसका के फिर यहाँ पर ये लाया जाएगा, क्योंकि ये कोई भी जो क्रेन मशीन है वो उठा नहीं सकती इसको, कि इतना भारी है ये, तो इस वजह से ये मशीनों द्वारा ये खिसकाया जाना है। और खिसकाया किस तरीके से जाना वो मैं आप लोगों को आगे दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। तो देख सकते हैं इनकी मोटाई और लंबाई कितनी लंबी कितनी है, आप खुद ही देख सकते हैं कि इतने वजन से इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये इसी तरह जैसे ये रखा हुआ है, इसी तरीके से ये उन पर बीम पर रखा जाएगा जो लोहे के बीम है। और आपको बता दूं कि ये जोड़े गए हैं, इसके मतलब पार्ट है, ये तीन पार्ट है गाइस, एक पार्ट वो रखा था, दूसरा पार्ट ये रहा, और तीसरा पार्ट देखिए ये रहा, क्योंकि अभी आप आपको बता दें इसके ऊपर चलेगा, देखिए ये मेरी उंगली देख रहे हैं, इसके ऊपर ये खिसक के आएगा गाइस। और देखिए यहाँ पर ये चलता हुआ, इसको ये जोड़ेंगे और फिर इसके ऊपर ये लाया जाएगा, ये रखा जाएगा और फिर इसको खिसकाया जाएगा। तो अभी अक्टूबर नवंबर का इसमें टाइम लग जाएगा, और आप देख सकते हैं कि अभी अप्रैल चल रहा है गाइस, अप्रैल तो ख़त्म हो चुका है, अब मई चलना स्टार्ट हो गया गाइस। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा गाइस। देखिए ये चार लेन बची हुई हैं, नहीं बची हुई हैं, ये चार लेन बची हुई हैं, और चार लेन ये अभी बंद करी की हुई हैं इन्होंने, क्योंकि इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से इन्होंने बंद कर रखी हैं उस स्टील के ब्रिज की वजह से। देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें गाइस, कितना स्लो डाउन लिए लगा हुआ है, और ये ब्रिज से करीब आगे 1 किलोमीटर आगे भाई साहब वहाँ से स्लो डाउन लगा हुआ, और यहाँ तक लगा हुआ, और इसी तरीके का ये सुबह शाम स्लो डाउन रहता है। तो इस ब्रिज को जल्दी बन जाना चाहिए गाइस, क्योंकि ये रेलवे का काम है, क्यों रेलवे खुद ही बनाता है, तो इस वजह से इसमें लेट लपेट हो रहा है गाइस। तो देखिए मशीनों द्वारा इस पर अब ये जोड़े जा रहे हैं पार्ट्स। तो चलिए गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक